2024 से लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, उसी को लेकर चरखी दादरी में मतदाताओं की सूची निर्वाचित कार्यालय द्वारा जारी कर दी गई है। सूची लगभग तैयार होकर मतदाताओं के पास पहुंच गई है, बीएलओ के पास पहुंच गई है, बीएलओ अपना काम करना शुरू कर दिया। वहीं अगर गड़बड़ी की बात, हैरान करने वाली बात है कि मतदाता सूची में बहुत बड़ी गड़बड़ी बिल्कुल सामने आई है। उसको लेकर जो मतदाता सूची में जिनका नाम था वो हैरान हैं, परेशान हैं और वो कार्यालय के चक्कर भी लगा रहे हैं। यहाँ चरखी दादरी के लघु सचिवालय के कमरे नंबर 14 में यहाँ निर्वाचन कार्यालय खोला गया है। इसमें यहाँ जहाँ मतदाता सूची तैयार की जाती है, वहीं हैरान करने वाली बात है कि चरखी दादरी जिले के विधानसभा बाडडा में 3 मतदाता की जो सूची जारी हुई थी उसमें उनकी उम्र में बड़ी गड़बड़ी मिली। पहला मामला गांव खोरड़ा से, जहां ओमपति की उम्र 60 वर्ष है लेकिन मतदाता सूची में उसकी उम्र 124 दिखाई गई। वहीं गांव कारीमोद में एक युवती जिसका नाम रूबी है उसकी उम्र 25 वर्ष है जबकि मतदाता सूची में 124 वर्ष दिखाई गई है। वहीं बाडड़ा ही विधानसभा के गांव पचगावा में जगदीश नाम के व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष है लेकिन मतदाता सूची में उसकी उम्र 124 दिखाई गई है, जो हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। उम्र से 50 और 99 वर्ष अधिक दिखाना मतदाता सूची में, ये एक बिल्कुल ही चौंकाने वाली बात है मतदाताओं की है। और मतदाताओं का कहना है कि वो चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं लेकिन उनकी इस सूची से जो उनका नाम आया है वो बिल्कुल ठीक अभी तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो चुनाव बिल्कुल नज़दीक, लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, सूची तैयार हो चुकी है। अगर इस गड़बड़ी को भी ठीक करवाया जाए तब भी 3 से 4 महीना लग सकता है। वही अब लोकसभा का चुनाव में वो कैसे अपना मत का प्रयोग कर पाएंगे, इसी को लेकर अधिकारियों से बात की गई। तो अधिकारियों का कहना है कि हमने मतदाता सूची में जो सूची जारी की थी उसमें कुछ गड़बड़ी आई है, वो टेक्निकल गड़बड़ी है, वो जल्द ही ठीक करवा दी जाएगी। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा।